जिले मजदूर यूनियन के कार्यालय में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि NFIR से संबंधित आज इंडिया रिटायर्ड एसोसिएशन उनकी जिम्मेदारी दी थी कि आज इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे और उन्होंने सारी व्यवस्था यहाँ की। हमारे बड़े भाई गंगा साहब पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आज से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। डीजल के पदाधिकारी खराब है और उसमें ये बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भाई बिंदवासिनी यादव जी लोगों का संचालन करना, देख रेख करना, भाई बिंदवासिनी यादव जी के देख रेख में सब होता है। और इधर हमारे के भारतीय जब ये निर्णय लेती थी तो सारा समाज थर्राता था। आज की स्थिति ये है कि आप देख रहे हैं कि देश बेचने की बात चल रही है, जगह जगह रेलवे के सारे विभाग खोल दिए जा रहे हैं। इंदिरा जी ने हमेशा अच्छा इनके समय में जो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे कि लोगों के काम में सहूलियत हो। सारे राजा महाराजाओं का जो प्रीमियम पर्स था जिसमें वो पैसा मिलता था वो प्रीमियम पर्स बंद कर। गंगा साहेब पांडे, महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस। आज ये कहवा जन्म स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर मजदूर भवन कैंट रेलवे कॉलोनी में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर के प्रख्यात कविगण और समाज सेवीगण उसमें भाग ले रहे हैं। इनका जन्म सन 1917 को हुआ था और 31 अक्टूबर सन 1984 को उनकी शहादत हुई थी, जिसको प्रत्येक वर्ष हम लोग ये दोनों कार्यक्रम करके चले आ रहे हैं। हमारी समाज सेवियों से यह अपील है कि इंदिरा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर हम सभी लोग चले। ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी जिन्होंने थी उनका जन्मोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है मजदूर भवन में। मैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष की शुरुआत करूँ। ये किस तरह से आज जन्मदिन मना रहे हैं, कौन कौन लोग यहाँ उपस्थित हैं? आज जो ये रिटायर एसोसिएशन की तरफ से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें INTC के हमारे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो इंटक है उसके जिला अध्यक्ष डॉक्टर सतीश दीक्षित हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भाई गंगा साहेब पांडे जी, जन कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व इंटक के हमारे महानगर अध्यक्ष हैं। और इसके साथ साथ ऑल इंडिया रिटायर्ड एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भाई बैकुंठ सिंह जी और संगठन मंत्री AK भारती साहब के साथ तमाम कविगण भी यहाँ उपस्थित हैं, जो आज का भी पाठ करेंगे इस जन्मोत्सव के अवसर पर इंदिरा जी के। आज स्वर्गीय जन्म इंदिरा गांधी का कितना वर्ष हुआ? ये 1917 उनका जो जन्म हुआ था इलाहाबाद में, इसके बाद आज हम लोग 1930 में आज उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। लगातार यहाँ जन्मोत्सव का मनाया जाता रहा है, प्रतिवर्ष यह जन्मोत्सव का कार्यक्रम यहाँ होता है और आज इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ जन्मोत्सव मना रहे हैं। और इसके साथ साथ एक कवि गोष्ठी का भी आयोजन जन कल्याण परिषद जो शहर की सबसे मानी जानी संस्था है उसके द्वारा यहाँ आयोजित की गई। ठीक है।